हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लिपस्टिक हैक्स की, यानी कि कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए अगर आप भी हैं मेरी तरह लिपस्टिक लवर। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। सो लिपस्टिक इज़ अ बिग स्टाइल चेंजर। जो लिपस्टिक है ना, आपकी पूरी आउटफिट के गेम को बदल सकती है। और ये मैंने अपनी फैशन की जर्नी में सीखा है, और जो मैंने लिपस्टिक से रिलेटेड सीखा है वो आज इस वीडियो में मैं आपको क्विकली बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कोई भी लिपस्टिक लगाने से पहले, वो ये कि आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए लिप लाइनर्स को। आपकी लिप्स की शेप थिन हो या थिक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप लिप लाइनर लगाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भी रिलेटेड है लिप लाइनर से ही, तो जो भी कलर आप चूज करें लिप्स के लिए, आपको हमेशा वन टोन डार्क लेना चाहिए लिप लाइनर को। उससे आपके लिप्स जो है ना काफी डिफाइंड लगते हैं, और वो लोग जिनका लिप्स का जो कलर है वो उनके बागी फेस से थोड़ा सा डार्क है। लाइक कितनी बार ऐसा हो जाता है, कितनी बार एज के साथ भी हो जाता है, और कितनी बार नेचुरली भी जो हमारे लिप्स होते हैं वो डार्क होते हैं। और उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो लिपस्टिक का कलर किसी और के ऊपर अलग शेड में नजर आता है, वो आपके लिप्स के ऊपर अलग शेड में नजर आता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको हमेशा कंसीलर का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। आप पहले लिप्स के ऊपर अपने कंसीलर को हल्का का लगा लीजिए, उसके बाद लिप लाइनर से लिप्स को लाइन कीजिए, और उसके बाद फिल कीजिए लिपस्टिक से। जिस तरीके से हमारा फेस टैन हो जाता है और हम स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, उसी तरीके से आपको लिप्स पर भी स्क्रबिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो आपका फेस का स्क्रब है वो काफी हार्श रहता है आपके लिप्स के लिए, तो आप शुगर और हनी को मिला के भी हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं अपने लिप्स के ऊपर, और आप फील करेंगे उसके बाद स्मूथ लिप्स। और आज का वीडियो बनाने की भी इंस्पिरेशन आप सब लोगों ने मुझे दी है, क्योंकि आजकल आप लोग बहुत पूछ रहे हो कमेंट बॉक्स में मेरे लिपस्टिक शेड्स के बारे में। तो मैं आजकल यूज कर रही हूँ मामा अर्थ की ये हाइड्रा मैट क्रेयॉन ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स, जो कि बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती हैं, और ये आपके लिप्स को काफी ज्यादा हाइड्रेटेड रखती हैं, और इनका काफी लॉन्ग स्टे है। और आपने ज्यादातर फील किया होगा कि जो मैट लिपस्टिक होती हैं वो हमारे लिप्स के ऊपर काफी ज्यादा हैवी लगती हैं, लेकिन जो ये लिपस्टिक्स हैं काफी लाइट वेटेड लिपस्टिक हैं, जो कि मुझे इनकी बहुत ही अच्छी बात लगी। और इन लिपस्टिक्स के अंदर आपको 7 कलर्स हैं जो अवेलेबल हैं, यानी कि फॉर एवरी डे यू हैव अ न्यू कलर। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है आर्गन ऑयल और हेलुरोनिक एसिड। और जो आर्गन ऑयल होता है वो रिच होता है विटामिन ई एंड ए में, जो मॉइस्चराइज रखता है आपके लिप्स को, और जो हेलुरोनिक एसिड होता है वो हाइड्रेशन को लॉक करके रखता है आपके लिप्स में, जिससे आपके लिप्स जो है काफी ज्यादा स्मूथ रहते हैं। और ये जो लिपस्टिक्स हैं वो टॉक्सिन्स एंड केमिकल एंड पैराबेन फ्री हैं, यानी कि मेड सेफ सर्टिफाइड हैं। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेज़न, नाइका, पर्पल और फ्लिपकार्ट पर तो मिल ही जाते हैं, और आपके पास के स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इन लिपस्टिक्स को ट्राई करने में, तो आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो कि है Winnie2023 20% ऑफ के लिए मामा अर्थ की वेबसाइट पर। लिंक जो है मैंने आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप जब भी मामा अर्थ की वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो मामा अर्थ लिंक करता है आपके ऑर्डर को जो ट्री वो प्लांट करते हैं, और बाय 2025 मामा अर्थ ने एम किया है 1 मिलियन ट्रीज को लगाना। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके लिप्स हैं वो मॉइस्चराइज रहें आपकी बाकी स्किन की तरह, तो आपको हमेशा लिप बाम्स का इस्तेमाल करना चाहिए जब आप लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। लिपस्टिक का टेक्सचर भी ऐसा होना चाहिए जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखे। अगर आप मैट लिपस्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो तो मेक श्योर करो कि आप लिप्स को पहले अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करो। और लिप्स को मॉइस्चराइज करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप मैट लिपस्टिक लगा रहे हो तो वो इजीली हट जाती है अगर आपके लिप्स आपने पहले मॉइस्चराइज किए हैं लिपस्टिक लगाने से पहले। और दूसरा, लिपस्टिक से जो डैमेज होता है आपके लिप्स को, क्योंकि हमें हर मेकअप प्रोडक्ट से डैमेज तो होता ही है, तो वो जो डैमेज होगा वो थोड़ा कम होगा, एंड डेफिनेटली जो आपकी लिप्स की हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, लिप्स क्रैक भी नहीं होंगे, और नेचुरली ही आपके लिप्स जो हैं अच्छे लगेंगे।
और वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी जो लिपस्टिक है बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उनको ज़रूर टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी वो बाहर निकलें। लिप लाइनर लगाने के बाद और लिपस्टिक से लिप्स को फिल करने के बाद एक बार टिश्यू को ज़रूर आपको फेस के ऊपर रखना चाहिए, और जितनी भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक होगी वो टिश्यू जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसके बाद जो आपकी लिपस्टिक है कम ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता है जब भी हम कहीं जाके पानी पीते हैं या खाना खाते हैं जब ग्लास के ऊपर आपका लिपस्टिक का निशान नजर आता है। और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि जो मैट लिपस्टिक होती है उन्हें रिमूव करने में मुश्किल होती है। तो वैसे तो अगर आप लिप्स को पहले अच्छे से मॉइस्चराइज करके मैट लिपस्टिक लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप अपने मेकअप रिमूवर को पहले हल्का हल्का डैप कर सकते हैं, या किसी ऑयल को या किसी मिल्क क्लिंजर को लगा सकते हैं अपने लिप्स के ऊपर, और उसके बाद रिमूव कीजिए अपनी लिपस्टिक को, वो ईजी नहीं निकल जाएगी। एक आर्ट जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी सिखाना पसंद करती हूं वो ये कि आपको बहुत ज्यादा लिपस्टिक्स की जरूरत नहीं होती है, कुछ बेसिक कलर्स हैं जो आपके पास जरूर होने चाहिए और वो भी आपकी चॉइस के, और उनको आप मिक्स करके अपने लिए नए कलर्स जो हैं क्रिएट कर सकते हो। जिस तरीके से आप अपनी आउटफिट्स को मिक्स एंड मैच करते हो उसी तरीके से अपनी लिपस्टिक्स को भी जरूर मिक्स करो दो कलर्स को और क्रिएट करो एक नया कलर अपने लिए। और जिन लोगों को लगता है कि उनके लिप्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा थिन हैं तो वो लाइट कलर्स को लगाएं, ग्लॉसी लिपस्टिक्स का जो है यूज़ करें जिससे उनके जो लिप्स हैं ज़्यादा फुलर लुक देंगे। और जिन लोगों के लिप्स ज़्यादा पर साइड पर है और वो थोड़ा सा कॉन्शियस फील करते हैं अपने लिप्स को लेकर, तो वो यूज कर सकते हैं कुछ डार्क कलर्स का मैट लिपस्टिक्स का, उससे आपके जो लिप्स हैं वो थोड़े थिन नजर आएंगे जो भी आपकी शेप है। वैसे मैंने हमेशा देखा है कि जिनके थिन लिप्स हैं उन्हें थिक लिप्स चाहिए और जिनके पास थिक लिप्स हैं उन्हें चाहिए थिन लिप्स। और जिन लोगों के थिन लिप्स हैं लेकिन वो लगाना चाहते हैं मैट लिपस्टिक्स, तो उनको मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप मैट लिपस्टिक को लगाने के बाद अपने लिप्स के सेंटर में उसे फिल कीजिए ग्लॉसी लिपस्टिक से, और एग्जैक्टली आज मैंने यही किया हुआ है, और इससे आपके जो लिप्स हैं काफ़ी फुलर लुक देते हैं। और इसी लिपस्टिक के लगाने के तरीके को हम ओम्ब्रे कहते हैं, और सुनने में ये बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको मैट लिपस्टिक लगानी है और सेंटर में हल्का सा ग्लॉस लगाना है। That's it. और ओम्ब्रे लिप्स आर रेडी फॉर यू। आई होप आज का वीडियो चेंज कर देगा आपके लिपस्टिक गेम को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर एक लाइक दे दीजिएगा, और चैनल अगर अच्छा लगता है तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। Thank you.